नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है, आप सब कैसे हो? चलिए अब हम अपना रोज़ का डेली का जो काम होता है वह करने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रात के बर्तन पड़े हुए थे तो हम सबसे पहले बर्तन अपने साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रात को थोड़ा नहीं कर पाए थे क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी तो नहीं कर पाए थे, तो हम सुबह कर लेते हैं दोस्तों। और बर्तन भी देखो कितने सारे हो गए हैं, पर लेकिन फटाफट फटाफट होते जा रहे हैं बर्तन, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फिर हम इसके बाद अब थोड़ी सब ये हमारा दोस्तों पानी भरने का है, जैसे हम पीने का पानी भरते हैं ना, उसको हम इसमें भर लेते हैं दोस्तों। देखिए अब बर्तन हमारे हो चुके हैं थोड़े से, अब हम इसको सिंक को भी साफ़ कर लेंगे। और देखो हमने इसको भी कलसिया को भी हमने साफ़ कर लिया है, अब इसमें हम इसको उल्टा रख देंगे, उसके थोड़ी देर बाद हम इसमें पानी पलट देंगे दोस्तों। अब हम इसको सिंक को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये रात की होती है ना, तो इसीलिए ठीक रहता है। तो हम भी इसको धो लेते हैं चारों तरफ से बस। अब दोस्तों सब्जियाँ भी पड़ी हुई हैं थोड़ी सी, तो अब हम ना कढ़ी के लिए पालक बना के रख देते हैं, क्योंकि इसकी डंडियाँ होती है ना वो तोड़ के रख लेते हैं। बच्चों का कढ़ी खाने का मन था, वैसे इसके साथ हम लोग राइस भी बना लेते हैं दोस्तों, पर राइस पकौड़ी वाली कढ़ी के साथ ज़्यादा बनाते हैं। ये वाली कढ़ी तो सब्जी की तरह हो जाती है, तो ये बिगर राइस के भी बन जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं है इसके साथ राइस बनाओ, सब्जी की तरह बच्चे खा लेते हैं इसको रोटियों के साथ। और एक सूखी सब्जी बना देंगे इसके साथ। अब हमने ये धो के निचोड़ने रख दिया था छलनी में, अब हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे दोस्तों। देखो फटाफट कट जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बारीक बारीक काट लेंगे। और वैसे कोई ज़्यादा नहीं था, ये एक ही गड्डी थी, क्योंकि एक गड्डी कढ़ी के लिए बहुत होती है, कढ़ी में तो थोड़ा सा भी चल जाता है। अगर भुजिया बनाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा पालक की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये तो थोड़ी सी है, इससे कढ़ी बन जाएगी। एक हम ना कोई और सब्जी बना लेंगे फटाफट से, और दोपहर के खाने में हम ये कढ़ी बनाएंगे। देखो दोस्तों हमारा पालक भी पूरा कट गया है, पूरा देखो पूरा लास्ट हो गया है, इसमें बेसन डाल के फेंट के अब हम कढ़ी बनाएंगे दोस्तों दोपहर के टाइम पे। और दोस्तों मेरे हस्बैंड जी को सिलबट्टे की चटनी बहुत अच्छी लगती है, वो रोज़ का नियम है उनका कि सिलबट्टे की चटनी उनके लिए थोड़ी सी पीसनी पड़ती है, डेली का है, वो मिक्सी की नहीं खाते। इसमें हमने धो के धनिया काट के रख लिया है, और हरी मिर्ची, अदरक थोड़ा सा, और टमाटर थोड़ा सा, जीरा और हींग तो खैर लेते ही हम इसमें, थोड़ा सा काला नमक ले लेते हैं, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। और ताज़ा ताज़ा बना लो, कितनी बार भी बना लो, दो बार बना लो, तीन बार बना लो, मिक्सी की बना के रखो तो वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है दोस्तों उसका, और झाग सा भी हो जाता है। और सिलबट्टे की चटनी में देखो कितना टमाटर से कलर भी अच्छा जाता है, लाइट ग्रीन हो जाती है, और खाने में भी बहुत स्वाद लगती है। थोड़ी सी चटनी हो, रायता हो, सब्जी हो, बहुत मस्त खाना बनता है, खाने में भी अच्छा लगता है बहुत। देखो चटनी कितनी बढ़िया पिस रही है, थोड़ी दोस्तों मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है खाने के लिए, लेकिन टेस्ट भी बहुत आता है इसमें, कोई इतनी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस देखो हाल फटाफट बन जाती है। थोड़ी सी बनाई थी, थोड़ी थोड़ी ऐसे करके पिसती जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा हमने टमाटर और ऐड कर दिया है थोड़ा। दोस्तों अमचूर की चटनी थोड़ी ब्लैक सी हो जाती है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता, इतना टमाटर की चटनी में बहुत टेस्ट आता है दोस्तों। कितनी देखो कितनी बढ़िया लग रही है, और थोड़ी सी इसको ना ज़्यादा बारीक नहीं करो तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, थोड़ी सी मोटी मोटी सी हो, ज़्यादा बारीक ना हो। अब हमारी चटनी तैयार हो गई है, अब हम इसे कटोरी में रख लेंगे दोस्तों। चटनी हमारी तैयार हो गई है दोस्तों, थोड़े बिस्तर भी हमारे पड़े हुए हैं, इनको भी हम फोल्ड कर लेते हैं, जैसे ब्लैंकेट है, पिलो हैं, इनको हम फिर हम उठा के अलमारी में रख देते हैं। और दोस्तों हमने कपड़े भी सर्फ में लगा दिए हैं, थोड़ा सा आंगन भी हमारा गंदा हो रहा था तो हमने इसमें भी पानी से धो दिया है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद हम कपड़े भी धो देंगे, क्योंकि कपड़े धो लेंगे जल्दी तो जल्दी सूख भी जाएंगे दोस्तों, सूख जाएंगे तो प्रेस भी अच्छे टाइम पर हो जाएगी दोस्तों, इसीलिए हमने कपड़े इनको गलाने को रख दिया। देखो दोस्तों सर्फ में
लगा दिए, जल्दी साफ़ हो जाती है, लगा दो और नहाने से पहले इसको धो लो, कपड़ों को धो के फिर अपने और डेली के काम हो जाते हैं बहुत से, नहाने के बाद नाश्ता बनाना, सब्जी पालक हमने काट के रख ही लिया है पहले से, और दोस्तों थोड़ी सब्जियां भी घर में रखी हुई हैं तो उनको भी हम धो के धो लेंगे, हम सब्जियां लेते हैं तो उनको धो के रख देते हैं, धो के सुखा के पैक करके रख देते हैं फ्रिज में, जिससे कि ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि बाहर रखी रखी ख़राब हो जाती हैं, तो डंठल वंठल हटा के धनिया बना के इनको सब पैक कर करके हम फ्रीजर में लगा देते हैं। दोस्तों हमने थोड़ा सा सामान भी पेंट्री से मंगाया है, अमेजॉन पेंट्री से घर का थोड़ा सा सामान मंगाया है, थोड़ा बहुत कम पड़ रहा था घर में तो ज़रूरत का जितना था उतना हमने मंगा लिया है दोस्तों सामान, जैसे कि साबुन है, सर्फ है, ये सारा सामान हमने अमेजॉन पेंट्री से मंगाया है, वो अच्छा भी रहता है दोस्तों, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, घर बैठे सब सामान आ जाता है, दो तीन दिन के अंदर आ जाता है, और इसमें अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, एक के साथ एक फ्री, मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है इसमें, पहले तो हम वैसे ही लेके आते थे लेकिन अब हम कुछ दिनों से पेंट्री से ही सामान मंगा लेते हैं और बढ़िया सामान निकलता है, जैसे अब देखो पोहा हमने मंगाया है, चाय पत्ती है, दलिया का पैकेट है दोस्तों, और नमक है, बिस्किट तो नहीं है दोस्तों, ये मार्गू साबुन है, टोस्ट का पैकेट मंगाया था, और ये सॉस मंगाई थी बच्चों के लिए, और ये थोड़ा बहुत चाय पत्ती है, और ये टाटा सॉल्ट है, और ये थोड़े से टोस्ट का पैकेट था, दो पैकेट टोस्ट के मंगाए थे, तो ये चाय पत्ती, और दोस्तों बेसन का पैकेट। अब बाकी का सामान हम दिवाली के आसपास मंगाएंगे, दिवाली से पहले मंगाएंगे, अभी ज़रूरत का था दोस्तों वो सामान हमने मंगा लिया है, क्योंकि मार्केट जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में भी बहुत काम होते हैं तो नहीं जा पाते, तो घर बैठे ये सामान आ जाता है, बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों, ये समय पे अपने घर में आ जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सामान भी बहुत अच्छा निकलता है, कोई शिकायत नहीं होती है इसमें, सारा सील पैक सामान आता है दोस्तों, देखिए बिल्कुल बढ़िया है, देखो घड़ी सर्फ मंगाया था किचन के कपड़े धोने के लिए, और ये था बेसन का पैकेट, देखिए सारा बढ़िया। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।